लाइट बढ़ा लेने का मैं अनुपम जी से पर्सनली पूछूंगी उनके साथ ही। नहीं सही है, वही तो जी बोलो भैया। अरे शारिफ कहाँ है, अपना आशुतोष कहाँ है, डायरेक्टर साहब को बुलाइए। डायरेक्टर साहब कहाँ है? थैंक यू। लेट्स गेट अजयल भैया। नरगिस कम ऑन। यस कम ऑन। नरगिस चश्मा हियर प्लीज, एनीबॉडी इज गॉगल्स। ओके वी विल फाइंड इट। कम प्लीज कम ऑफ कोर्स। हाँ जी यस। सो गुड टू सी यू सर। सो गुड टू सी ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या करके मानेंगे आप बॉक्सिंग और पता नहीं क्या क्या। आई जस्ट सॉ द लास्ट क्लिप और एहसास होता है कि किसी को उसके घर पहुँचाने की कितनी शिद्दत से कोशिश करी जाती है। प्लीज साइलेंस एवरीवन। और मुझे ये भी बात का इल्म है कि बहुत जल्द आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए किसी भी किरदार के लिए हाँ नहीं कहते हैं जब तक आपको खुद यकीन ना हो कि हाँ ये कुछ अलग करने का मौका है। गलत अनुपम सर कि क्या वो खास बात थी यू सेड यस मुझे ये करना है। मुझे लगता है हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हम सिनेमा में बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और वी आर लकी एंड आई एम लकी एज एन एक्टर जिसने 38 साल से जर्नी की है, अलग अलग दौर से गुजरा हूँ, 80s के 90s के 2000। नाउ सिनेमा इज़ ओनली अबाउट कंटेंट। एंड शिव शास्त्री बेलबोआ जब अजयन हमारे डायरेक्टर हमारे पास लेकर आए और हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर वाजपेयी लेकर आए तो मुझे लगा कि ये कहानी तो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। जिस लोग कहते हैं स्लाइस ऑफ लाइफ, ये स्पाइस ऑफ लाइफ है मेरे हिसाब से। एक इंसान की कहानी है जो यहाँ से अमेरिका जाता है अपने बेटे के पास जहाँ जोगल नहीं है इस समय, और नीना जी की तबीयत ठीक नहीं है, बट आई थिंक जिस हिसाब से अजयन ने कहानी लिखी है और इसको वीव किया है, ये हर एक इंसान की कहानी है। हमारे सबके अंदर एक मजबूत एक ताकतवर इंसान है जो हालात की वजह से हम उसको दबा कर रखते हैं। तो बॉक्सिंग लव जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं उस ताकत को, हीरो विद इन जिसे कहते हैं। एंड इट्स अभी तो मैं पहली बार फिल्म देख के निकला हूँ, इट्स ए ब्यूटिफुल फिल्म। मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे तरुण जी हैं, हमारे हमारे प्रोड्यूसर साहिबा हैं, आशा है, शारिब है, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड इसमें हंसाती भी है, रुलाती भी है, प्रेरित भी करती है, लगता है कि मतलब अब इसके बाद कुछ कि ज़िंदगी अच्छी है, दुनिया में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की कहानी है और वही चाहिए। कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब मैं अनुपम सर की बात करता हूँ, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, इज वन ऑफ द मोस्ट यू नो फैंटास्टिक एक्टर वी हैव इन द इंडस्ट्री। हाउ दिस होल जर्नी स्टार्टेड, नरगिस गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। थैंक्स।
You're very good in the film. Thank you, thank very you, sir. Very good. Sharif, you're very good. You know how this whole journey started? You always there in your mind. So, for me, the minute when I started writing the script, the first phase that came to my mind was Sanpam sir's. So I was lucky enough that I got a chance to talk to him about the script. So immediately, sir liked the script and he said he is willing to do the film. So I know the half of the battle was done because I have this great actor to support me through the process. And sir has been supporting me throughout the entire journey, from that first meeting on. And Neena ma'am joined the team. And after once I had these two amazing, the most finest actors of India, I knew that I had a very easy journey. And then came all the great people like Sharif, Nargis, Jugal. So I was just plain lucky to make this happen, and I'm glad that it happened. And we have very good producer. Kishore is a very fine producer. For this kind of a film, you need a producer who has who is supporting. He's not from the field. Ashutosh ji is from this field. Anita ji is from this field. But Kishore, who is put in, Asha is Kishore's wife, who is put in. And then people like Tarun ji joined this. So it's a collaborative effort, and that's what makes it. और फिर फिल्म में ऐसे भी नहीं थे कि ये डिक्टेटर नहीं थे, ये जो इनको चाहिए वो चाहिए चाहिए, पर ये कैस्पर ने बड़ा अच्छा काम किया, जो हमारे छोटा सा कुत्ता है वो उसने बहुत अच्छा काम किया. यस, यू वर आस्किंग समथिंग टू. पहले आपसे पूछ लेता हूँ सर, 2022 की मैं बात करूँ, काफ़ी अनोखा साल गया है आपके लिए, बैक टू बैक इतनी सारी फिल्मों आपने दिए, एंड 2023 में शुरुआत में ये फिल्म आ रही है आपकी, किस तरह से देख रहे हो 2023 को एज एन एक्टर? आई थिंक मैं इतने सालों से काम करता आया हूँ, और मुझे तो हमेशा लगा कि मैं बड़ा हैपनिंग एक्टर था, चाहे वो नहीं, मतलब तब भी नहीं, अब तो खैर मैं हूँ ही. बट आई थिंक वी रिमेंबर सिनेमा, वी रिमेंबर फिल्म, वी रिमेंबर स्टोरीज, वी डोंट नेसेसरली रिमेंबर कलेक्शंस. दिस फिल्म विल बी रिमेंबर्ड फॉर इट्स स्टोरी. हो सकता है कि 2022 जो था वो मेरी फिल्म में सुपर हिट हुई, हो सकता है ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी. हम चाहते हैं कि आपके ज़रिए, आपके माध्यम के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए हमें ऑडियंस को थिएटर में लाना है. एक बार वो थिएटर में आ जाए फिर हमें पूरा यकीन है कि उनको ये फिल्म पसंद आएगी ही आएगी. तो इसलिए आपके साथ की बहुत सख्त ज़रूरत है दोस्तों. एंड वी हैव ब्यूटी एंड विद ग्रेट, ही शी इज़ परफॉर्म सो वेल, शारिब इज़ सो गुड, Jugal is so good. Jugal will be coming in the movies after a long time. So everybody is so good, and audience आजकल सब कुछ पसंद करती है. Nargis, what would you like to say? You are coming back to film. People were waiting. She's coming for back to India. She's been working in India and film. People were waiting to see you in the big screen. Yeah, I'm super excited. That I know everyone was very excited and waiting for me. So now they get to see me, which I'm very happy to be a part of this film. So thank you for having me. I loved my part and I loved working with this team. They've been really amazing. Anupam ji, aapse janna chahunga, kafi different posters mujhe kafi different laga, aur mana ja raha hai ki film mein aapne tattoo bhi banaya hai apne doston ke liye, agar kitni sachchai hai is kahani ki? Maine banaya tha, fir utarne mein bahut time laga. Maine zindagi mein kabhi tattoo nahi lagaya tha. Ye kafi time laga, ek mahina laga usko utarne mein, aur meri maa ko film bahut pasand aayi hai. वो जब चुप हो जाती हैं तो उसका मतलब उनको अच्छी लगी है, जब वो चुप हो जाती हैं उसका मतलब उनको नज़र नहीं लगनी चाहिए मुझे, क्योंकि अच्छा काम किया. बट आई थिंक और ऑल्सो मैंने आज फिल्म देखी पहली बार, तो मुझे लगा कि बहुत रियल फिल्म है, फैमिली जैसी है, जैसी होती है, जैसे बच्चे बात करते हैं वो वैसा ही उनका रिएक्शन है. आप मेरे बाद इन जिन्होंने आज फिल्म देखी है उनके रिएक्शन ज़रूर लीजिए, उसका हमें फ़र्क पड़ेगा उससे. तो बस एक ही बात है भैया, फिल्म देखने आ जाओ. बाकी हम संभाल लेंगे. शारिफ, व्हाट्स योर टेक? मतलब आप भी, मतलब कभी हैदराबादी हैं और हैं, कभी कहीं भी पहुंच जाते हैं. इस किरदार को लेके क्या ब्रीफ था योर, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद समबडी लाइक अनुपम खेर साहब? मेरे लिए तो बहुत, मतलब बहुत खूबसूरत पूरा का पूरा एक्सपीरियंस रहा ये, राइट फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड रीडिंग द स्क्रिप्ट टिल टुडे. इतना खूबसूरत रहा है कि मैं क्या बताऊं. मैं अभी जब हमने पोस्टर डाला था ट्विटर पे, तो किसी ने ट्वीट किया था कि अनुपम खेर इज ट्रेंडिंग सिंस 4 आवर्स,
तो मैं उस बोलने वाला था, पता नहीं कुछ चार पांच चीजें आ गई थी, अनुपम खेर इज बीन ट्रेंडिंग सिंस फोर डेकेड्स. तो इनके साथ में मुझे काम करने का मौका मिला, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है. और इतनी अच्छी टीम, अजय ने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, मेरा किरदार इतना प्यारा, एंड ही प्लेज अ पंजाबी, मतलब दैट्स सो वेल डन. थैंक यू सर. हमारे जितने भी बाइकर्स थे, सॉरी यू नहीं मैं, हमारे जितने बाइकर्स हैं वो रेगुलर बाइकर्स हैं, वो मतलब रियल बाइकर्स क्लब के, तो उनसे एक्टिंग करवाई है, उनसे बहुत ज्यादा एक्टिंग उन्होंने किया है. एंड टू शूट एट रियल लोकेशंस, एट द एंड ऑफ इट इज ऑल्सो अबाउट लोनलीनेस, लोनलीनेस ऑफ पीपल, नॉट नेसेसरली हमारे हिंदुस्तानी जो बाहर जाते हैं वो कैसे कितना मिस करते हैं हिंदुस्तान को. ये अभी आशुतोष जी अमेरिका से आए, अब इनको मैं कह रहा हूँ कि वापस जाइए ही मत, ये डेढ़ महीने से यहाँ. एंड थैंक यू तरुण जी फॉर ज्वाइनिंग विद अस, बिकॉज काफ़ी लोग जुड़े हैं. एंड बस और क्या, अभी क्या बोलूँ. मेरा आखिरी सवाल है, आपने अभी बातों बातों में कहा कि वो एक सारा फेस देखा है, 70 का दशक, 80 का दशक, 90 का दशक. एक दौर आपने ऐसा भी देखा था जी, अमिताभ बच्चन आपके फिल्म में और आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर, वो दौर दौर हुआ है, प्रकाश मेहरा साहब का दौर. क्या आप मानते हैं कि जैसे आपने कहा कि अब कंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जिस तरह के माध्यम आ गए हैं नो ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, अब फिलहाल जिस तरह का सिनेमा या फिल्म मेकिंग हो रही है उस पे आपकी व्यक्तिगत राय क्या है सर? नहीं, मुझे लगता है कि आज एक आम इंसान के पास मनोरंजन के बहुत साधन हैं. मॉल चले जा सकते हैं, मल्टीप्लेक्सेस जा सकते हैं, मोबाइल है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं. तो व्हेन यू आर मेकिंग ए फिल्म फॉर पीपल टू गेट फ्रॉम देयर हाउसेस टू स्पेंड मनी फॉर फोर पीपल बाय पॉपकॉर्न, इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ मनी. तो यू हैव टू मेक समथिंग विच दे विल रियली गेट इंटरेस्टेड टू. लोग इस फिल्म को, एक दो लोगों ने कहा कि अंग्रेजी में है, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ ये अंग्रेजी में नहीं है. दूसरी बात, इसके ओटीटी राइट्स अभी बिके नहीं है, तो कब बिकेंगे पता नहीं है, मगर इसको थिएटर में ही देखना है. बट हम बड़े अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिनेमा पहले अच्छा नहीं होता था. हीरो इज द स्क्रिप्ट, हाउएवर बिग द हीरो इज, इफ द स्क्रिप्ट इज नॉट योर हीरो, नथिंग कैन वर्क. इट वॉज ऑलवेज देयर, बट इन टूडे द ऑडियंस इज सो एजुकेटेड, पहले पांच मिनट में समझ जाते हैं पिक्चर देखने की नहीं देखनी. That's all. Thank you so much. What message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of this? एक तो मेरे मसल्स देख लीजिए. नहीं नहीं, मसल के रख देंगे. नहीं, आई थिंक यू नो, जब मैं, मेरे पोस्टर लगते थे 84 में, जब मैंने सारांश की थी, तो 84 से लेकर 2020 तक मैं फोटो पोस्टर के कॉर्नर में होता था. अब वहाँ से पिछले दो साल से मैं फोटो के सेंटर में हूँ. ये इस जर्नी को देखने के लिए दे शुड वॉच दिस फिल्म. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. यस, आई कम टू द थिएटर ऑन फिफ्थ. यस, आवर फिल्म इज रिलीजिंग ऑन 10th ऑफ फरवरी, शिव शास्त्री बेलबोआ. प्लीज वॉच इट ओनली इन थिएटर्स. इट इज ओनली इन थिएटर्स. यस, अमेजिंग. शी शुड रिक्वेस्ट. यस यस, प्लीज एवरीबॉडी कम वॉच अस ऑन फरवरी 10th. यस, थैंक यू. थैंक यू. सर, वी नीड टू सम पिक्चर्स. जैसे इन्होंने देखी है, दो तीन और लोगों ने देखी है, इनके विल डू देयर, विल टेक देयर रिव्यू. जरूर करना, विल टेक देयर. एक पिक्चर यहां कर ले सर, दिस सेट दे वांट टू डू द पिक्चर. अच्छा, कहां कहां? ऐसे अमीना के साथ कर. अच्छी लगी. इस पिक्चर में क्या खासियत है? जो तुमने करा वो कोई नहीं कर सकती. अरे चलो, आप कहोगे बच्चा, आप बताओ आपने क्या देखा. मैं तो जो भी ये करेगा मुझे अच्छा लगेगा. 18 साल में घबरा जाती हूँ.
था जैसे 90 साल का बुड्ढा चढ़ता था, लेकिन इसे कहाँ से सीखा ये? और पहला बच्चा है I think he's excellent. He's always been right from Saransh. He's always been a great actor. Nargis. Nina, you mean? Nargis has played her role, I mean. Both Nina and they are very accomplished, both of them. You see their romance budding, you know, beautiful, beautifully handled. Very, thank you. Am I looking at you guys, or just tell me where to look? How are you? One second. Tarun ji, where are you? Here, थोड़ा पीछा है भाई, सब लोग आ गए हैं, सब लोग फ्रेम में हैं, और सब पीछा नहीं नहीं फ्रेम में नहीं है सब लोग, मैम रुक गया माइक ऑन है भाई आपको सेंटर से फ्रेम लेना ओके थैंक यू जी फोटो मारना था ना आपको पैप वाला और देखिए आउटफिट ओके या या लुक योर यस वेरी नाइस सो लुक योर एंड सी हां आई नो मुझे पैप मारना है कौन है बोलो बोलो पीछे में Thank you, sir. Oh, will you see tomorrow? Yes, okay. See you tomorrow then. I don't know what's happening. She's the only person that tells me what's happening. I hope. So, we'll go. So, we'll go. Looks pretty good, right? Okay. Okay. Enjoy. Hi. Hello. फोटो ले लिए आराम से जो वेट मैम वेट 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 थैंक्स गाइस Everyone else is coming down now. Okay. Bye. Thank See you. Thank you. Sharif. Okay. Are you done? Okay. हो गया फोटो थैंक यू थैंक यू सर। अरे भाई ये मार लेना।
ये हो गया रे बोल हो गया डन थैंक यू हम भी फ्रेम में बात कर लेते हैं बाद में करेंगे बात चलिए कंटेंट सर सबसे पहले जानना चाहूँगा आपका एसोसिएशन शिव शास्त्री इस फिल्म के साथ कैसे आप जुड़े हुए हैं इस फिल्म के साथ जब मैंने फिल्म देखी तो बहुत सुंदर साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म और बहुत ही छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में हम जिन चीज़ों से रोज़ गुजरते हैं तो बहुत सुंदर फिल्म है आप सबको भी देखने में बहुत मज़ा आएगा मुझे ये फिल्म देखने में बहुत मज़ा आया और मुझे लगा कि इससे जुड़कर मेरा नाम और मेरा सम्मान बढ़ेगा न कि घटेगा अनुपम जी के साथ एक अलग बॉन्डिंग देखी है मैं देख रहा था जब हमसे इंटरेक्शन कर रहे थे आपका जिक्र कर रहे थे आप जुड़े कैसी बॉन्डिंग है आपके अनुपम सर के साथ अनुपम जी बहुत शानदार व्यक्ति है एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट और ही इज़ वेरी शार्प और मुझे उनसे हमेशा बात करने में इंटरेक्शन करने में बहुत आनंद आता है थैंक यू सर पोस्टर निकालो अक्सर एक्टर इतने इंटेलिजेंट नहीं होते सीरियसली मैं आई बीन यू नो देयर इन द जर्नलिज्म सो लास्ट सो मेनी इयर्स लेकिन मुझे मालूम है बहुत जहीन आदमी है अगर आप उनसे पूछ भी रहे हो तो बहुत सोच समझ के पूछना है बहुत इंटेलिजेंट सर जिस तरह का पूरा एक माहौल है इंडस्ट्री में जब मैं बोलता हूँ कि कोई फिल्म आ गई और किसी जाति विशेष धर्म विशेष को कोई आपत्ति हो गई और उसका अलग तरह का एक पूरा का पूरा रुख तैयार हो जाता है इस बारे में क्या आप नई तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी प्लीज रोशनी डालें आप किस पे धर्म संसद जी देखो हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 में ये बताया गया है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है और कोई भी धर्म अपना प्रचार करने के लिए आज़ाद है आर्टिकल 25 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ फंबल हो गया था आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 में ये बताया गया है हमारे संविधान में कि हमें अपने धर्म का सम्मान करना है अपने धर्म का प्रचार करना है और हमारे धर्म के खिलाफ अगर कोई भी बात करता है गलत बात करता है तो उसके लिए कानून में प्रावधान है उसको जेल जाना पड़ सकता है तो जहाँ तक फिल्मों की बात है आजकल फिल्मों में बाकी सभी धर्मों का तो सम्मान किया जाता है किसी भी धर्म के बारे में कोई गलत बात नहीं की जाती है लेकिन हिंदू धर्म का अपमान करने में वो बड़ा गर्व महसूस करते हैं तो ये सोचकर ये समझकर ये जानकर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक धर्म सेंसर बोर्ड की स्थापना की है और वो सेंसर बोर्ड कोशिश करेगा कि हिंदू धर्म का अपमान ना हो वैसे तो सभी धर्मों ने अपना एक सेंसर बोर्ड बनाया ही हुआ है क्योंकि अभी सिख धर्म के भी आप अपमान कर ही नहीं सकते उनका भी अपना सेंसर बोर्ड है और बाकी किसी धर्म के बारे में तो आप बात कर ही नहीं सकते वहाँ तो सरतन से जुदा हो जाता है बस हिंदू ही इतना लिबरल है क्योंकि हिंदू जियो और जीने दो की पद्धति पर चलता है क्योंकि हिंदुओं के मंदिरों से एक ही आवाज़ आती है कि विश्व का कल्याण हो पर उसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है और हिंदू धर्म का लगातार फिल्मों के माध्यम से अपमान किया जा रहा है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तो धर्म संसद सेंसर बोर्ड के साथ मिलके काम करेगी क्या किस तरह से आगे फंक्शन करेगी और जैसे कोई फिल्म मेकर फिल्म बना रहा है या इनिशियल स्टेज पे है तो कैसे वो अप्रोच करेगा सेंसर को या धर्म संसद को और इसका कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा जी धर्म सेंसर बोर्ड का बहुत ही लिमिटेड सा रोल है कि हमारे धर्म के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ आपत्तिजनक ना हो जिससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचे इसके अलावा धर्म सेंसर बोर्ड का कोई भी काम नहीं है सेंसर बोर्ड अपना काम करेगा सरकार अपना काम करेगी और धर्म सेंसर बोर्ड भी जो अधिकार संविधान ने दिए हैं हमें अपनी धर्म की रक्षा करने के उस अधिकार के अंदर ही काम करेगा ये
ये सेंसर बोर्ड के माध्यम से जो फिल्में जाएंगी सेंसर होने के लिए, वो धर्म संसद तक कैसे पहुंचेंगी, मैं ये थोड़ा समझ नहीं। उसमें एक उनके लिए कन्वीनियंस पैदा करने की बात है। अभी हम प्रोड्यूसर एसोसिएशन से, डायरेक्टर एसोसिएशन से जो एक गाइडलाइन जगतगुरु शंकराचार्य जी ने बनाई है उसको लेकर चर्चा करेंगे। हम उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको कोई भी फिल्म ऐसी बनानी है जिसमें धर्म को लेकर आप बातचीत कर रहे हैं तो आपको तो उतनी समझ है नहीं। हर आदमी ने वेद नहीं पढ़े, हर आदमी ने पुराण नहीं पढ़े हैं, तो आप हमारे पास एक प्रोफेशनल लोग हैं जिनको इस चीज़ का ज्ञान है और जगतगुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद है, तो आप अपनी स्क्रिप्ट चाहें तो एक बार दिखा लें। अगर वो स्क्रिप्ट दिखा लेंगे तो फिल्म के रिलीज़ के टाइम पे उन्हें बायकॉट का सामना नहीं करना पड़ेगा, धर्म हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म के लोग आहत नहीं होंगे। तो फिर क्या होता है कि फिर मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि भैया ज़रा देखो यहाँ लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ लोग विरोध कर रहे हैं। अब उनको कैसे मदद करें, क्योंकि तो जनभावना है, कोई एक आदमी मदद कर नहीं सकता, किसी एक के कहने से वो मानेंगे भी नहीं। तो अब एक उन लोगों को संस्था मिल गई है और जिसको हेड कर रहे हैं जगतगुरु शंकराचार्य जी। यहाँ आप बात कर लो, एक बार उन्होंने कह दिया कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो फिर अगर कोई विरोध करता है तो वही डिस्क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी ने बोल दिया है। तो ये एक तरह से इसको सारे प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर और एक्टर को एक कन्वीनियंस के रूप में देखना चाहिए, ना कि ऐसा कि हमारे ऊपर एक और सेंसर बोर्ड आ गया है। कोई सेंसर बोर्ड नहीं आया है, सेंसर बोर्ड वही रहेगा। धर्म सेंसर बोर्ड का बहुत लिमिटेड सा रोल है कि हमारे धर्म का मजाक नहीं उड़ाना है, हिंदुओं को आहत नहीं करना है। सर, आप फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल और के हेड भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं और आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूपी भी हैं, तो आप फिल्म मेकर होने के नाते कैसे फिल्म मेकर्स को इससे सहूलियत होगी वो बता सकते हैं? नहीं, उसमें तो सहूलियत हो ही रही है। आज हर तीसरी फिल्म उत्तर प्रदेश में बन रही है, फिल्म बंधु की वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोगों को अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म बनानी है तो उसकी अपनी एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को पढ़ के आपको उसको उसमें अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट सबमिट करनी है और उस गाइडलाइन को फॉलो करना है। मुझे तो आज तक कोई आदमी नहीं ऐसा मिला कि जिसने कहा हो कि मेरे साथ कोई करप्शन का मामला है या मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट काम चल रहा है। तो आप आइए, फिल्में बनवाइए, उत्तर प्रदेश में बनी रही है और बनाइए फिल्में, और आपको किसी परमिशन की ज़रूरत हो, सिक्योरिटी की ज़रूरत हो, सब आपके लिए तैयार है। और अब तो वैसे बॉलीवुड के लोग भी बहुत कन्वीनियंट हो गए हैं और उत्तर प्रदेश के लोग भी बॉलीवुड स्टारों को लेकर अभी काफ़ी कन्वीनियंट हो गए हैं। इनिशियली थोड़ा ऐसा होता था क्योंकि उत्तर प्रदेश और पूरा नॉर्थ काफ़ी एग्रेसिव है, तो इनिशियली थोड़ा सा शूटिंग वूटिंग कहीं होती थी तो लगता था पता नहीं क्या हो रहा है। अभी तो मुझे नहीं लगता, वहाँ के लोग कम्फर्टेबल हो गए हैं शूटिंग को लेकर। आप लोग आइए वहाँ पर, और लॉ एंड ऑर्डर, जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है तब से लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया हो गया है। नहीं, उससे पहले एक माहौल था देश के अंदर कि जिसके पास भी पैसा है, जिसने भी थोड़ा कुछ अपना नाम कमा लिया है, वो उत्तर प्रदेश से भागना चाहता था। आज पूरी दुनिया के, पूरे देश के लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। आप हर साल देखते ही हैं करोड़ रुपये का, लाखों करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है, लोग वापस उत्तर प्रदेश में जाकर रहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक था रोशन जी।